हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो तैयारी है एसएससी जेई के कल के एग्ज़ाम के लिए, कल से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका बहुत बढ़िया से तैयारी हो चुका है और कल एग्ज़ाम में आप जाके गर्दा करने वाले हैं। तो आइए हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ टॉपिक पे कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। उससे पहले एसएससी जेई का अगर जिसका भी कल से एग्ज़ाम है उस वो अपना एडमिट कार्ड, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है उसमें से आप रख लीजिएगा। ये तीन चार आप इंश्योर करिएगा। एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले आप पहुँचने का प्रयास कीजिएगा ताकि ज़्यादा प्रेशराइज आपको वहाँ पे ना हो, क्योंकि क्या होता है कि रास्ते में ही जाते हैं, मतलब जाते जाते इतना लगता है कि एग्ज़ाम पहुँच पाए कि नहीं पहुँचे, उसी समय एग्ज़ाम खराब चल जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। असली मुद्दा पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एग्ज़ाम को हम सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकें। तैयारी तो जितना करना था उतना हो गया, अभी जो भी समय बच गया है उसमें ठीक है अपना देखते रहिए। जो भी कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ है, खासकर जो टेबल वाला चीज़ है, जो डाटा वाला चीज़ है कि इतना से इतना के लिमिट के बीच में ये वाला चीज़ होता है, तो ये सारा चीज़ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जो 200 मार्क्स का 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है उसमें हम सबसे पहले अटैम्प्ट क्या करें, टेक्निकल करें या फिर रीजनिंग करें। ठीक है, आपको किसी भी हाल में 120 प्लस नंबर लाना है, मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि 120 ही लाइए, 130 लाइए, 140 लाइए, 150 तक लाइए, ठीक है। लेकिन आप कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए बहुत लोगों का क्या होता है ना कि टेक्निकल किसी का एवरेज होता है, किसी का मजबूत होता है, किसी का मीडियम होता है, बाकी रीजनिंग भी किसी किसी लोगों का थोड़ा ये होता है। देखिए रीजनिंग तो सबका अच्छा होगा, जो प्रैक्टिस किया होगा वो 45 प्लस लाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो 40 से 45 के बीच में सिमट जाएगा। 5 नंबर का आपका नुकसान होने वाला है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जाम में जाके आप अच्छा करिएगा, ये एक चीज़ है। अभी हम बातें करने वाले हैं कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप रीजनिंग पहले करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपका रहेगा, क्योंकि क्या होता है देखिए लास्ट जब 2 घंटा में से 120 मिनट में लास्ट का जो 10 से 15 मिनट बचता है, अगर आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है तो आपका हाथ तो उसमें थोड़ा सा ये करने लगेगा कि जो कैलकुलेशन है, अगर कुछ मतलब माइंड से सोचना है तो आपका डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा कि टाइम घट रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। रीजनिंग के लिए एक अस्थिरता चाहिए, हल्का क्वेश्चन रहता है, आप 50 सेकंड में 30 सेकंड में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अस्थिरता चाहिए। उसके लिए अगर प्रेशराइज रहिएगा कि टाइम कट रहा है, भग रहा है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं बन रहा है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट कर लिए। टेक्निकल क्या है, क्वेश्चन पढ़े, उसका आया तो आंसर किए, नहीं आया तो आगे बढ़े, ठीक है। उसमें ज़्यादा ये नहीं है कि क्या था ऐसे नहीं सोच सकते हैं आप, उतना नहीं ये है। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, याद आ रहा है अगर क्वेश्चन तो आप तुरंत टिक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आप रीजनिंग करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के है, 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 45 से 50 के बीच में लाने का कोशिश करना है, ठीक है। लाना ही चाहिए आपको, अगर प्रैक्टिस किया नहीं किया तो 40 से 45 के बीच में आपको कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग 40 प्लस ही आएगा, चाहे जो पढ़ा रहता है नहीं तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि इस 50 क्वेश्चन का जो रीजनिंग है उसको कोशिश करिएगा कि जितना भी 1 से लेकर 50 तक जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले पटाख से पढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि जब 50वां क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन इजिली आप बना पाए हैं, 10 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है और वो आपका मिनट गया है कितना, 25 से 30 मिनट गया है वो आपका 40 क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी जो 10 क्वेश्चन बचा आप देख लीजिए कौन क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप और उसमें आप 10 मिनट दे दीजिए, मतलब कुल मिला के इस जो 50 क्वेश्चन है उसको 40 से मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट में देने का प्रयास कीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। और आप आते इसके बाद जीके में आ जाइए, जीके को 15 मिनट में क्लियर कर दीजिए। तो जीके के आप पढ़िए आंसर आ रहा है तो मारिए, नहीं आ रहा है तो भी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। देखिए ये सब एग्ज़ाम में जो है ना आप अटैम्प्ट ज़्यादा ही करिएगा, 180 तक अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, 180 से कम मत करिए। 1/4 निगेटिव है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये होगा फटाक से मार दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। 4 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, एक भी आप सही कर देते हैं तो भी आपका मेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस 50 क्वेश्चन में आप 45 मिनट गंवा चुके हैं रीजनिंग के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, 15 जो मिनट है उसमें आप 15 क्वेश्चन जीके का कर लीजिएगा। जीके में फिजिक्स वगैरह तो आप जो भी साइंस से क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी पॉलिटी वगैरह पढ़े होंगे तो करिएगा, हिस्ट्री कुछ कुछ पता होगा तो करिएगा, करंट अफेयर्स पता होगा तो करिएगा। मतलब 50 क्वेश्चन में आप जितना भी आपको आ रहा होगा और आप जो थोड़ा डाउट लग रहा है उसको भी आप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेक्निकल का। तो टेक्निकल आप क्या करिएगा, टेक्निकल में देखा जाता है कि
75 से 80% जो क्वेश्चन है वो सब थ्योरेटिकल ही रहता है, न्यूमेरिकल काफ़ी कम रहता है, 15 से 20% तक न्यूमेरिकल होने का चांसेस रहता है, 15 से 20 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। उसमें भी से भी 15 से 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन काफ़ी टफ टाइप का, टफ नहीं मतलब कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, वही खेला कर देता है। अगर वही क्वेश्चन पे आप 5 मिनट एक क्वेश्चन पे या फिर 2 मिनट 3 मिनट भी देते हैं तो वो काफ़ी नुकसान करेगा आपको बाकी सब क्वेश्चन पढ़ने में। तो ऐसा नहीं करना है, वो सब चीज़ को छोड़ नहीं देना है। एक दो क्वेश्चन अगर अगर उस टाइप का है जो आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है उसको मत करिएगा, उसको लास्ट में देखिएगा, समय है तो करिएगा, नहीं आ रहा है तो मत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहा टेक्निकल को, आप जो आसान क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी 70 नहीं बोल सकते, 75 से 80 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहता है, जिसमें कि आपका 60 से 70 क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है। अगर आप टेक्निकल पढ़ें तभी आसान रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो जो आसान क्वेश्चन होगा वही भारी लगेगा। तो उस चीज़ को आप जल्दी कर सकते हैं, आधा घंटा में आपको क्या करना है 60 क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा, पॉसिबल है। टेक्निकल क्वेश्चन देखना है और उसको मारना है, कीवर्ड देखना है, कीवर्ड देखना है, फटाक से आया और फटाक से उसका आंसर मारे, ठीक है। वाटर कंटेंट तो बाकी स्टेटमेंट नहीं, वाटर कंटेंट किसका है, माइल्ड स्टील के लिए, सॉरी माइल्ड कंडीशन के लिए है, मॉडरेट कंडीशन के लिए, किसके लिए है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है, कौन से प्री स्ट्रेस में पूछ रहा है कि पोस्ट मतलब प्री टेंशन में पूछ रहा है कि पोस्ट टेंशन में, ये सब देख के फटाक से मारते चलना है आपको। तो इसको इस तरह से आप 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आप आसान वाला 30 मिनट में कर सकते, बाकी जो 30 मिनट बचा उसमें आप 40 क्वेश्चन को करिए। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी लेके आप चल सकते हैं, बाकी ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप टेस्ट सीरीज में क्या किए हैं, टेस्ट सीरीज आप कैसे दिए हैं, उस समय आप क्या एनालाइज किए हैं, उसके हिसाब से आपका पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको किसी भी तरह नंबर लाना है, 120 से ऊपर ही नंबर लाना है, उसके लिए आपको कम से कम 160 70 180 तक अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। 180 से कम अटैम्प्ट मत करिएगा, ठीक है, 180 करिए ही सही रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव 1/4 है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा सही रहता है। तो यही सारा चीज़ है, आई होप कि आपका लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा 5, 6 और 7 जिस भी डेट में होगा अच्छा होगा। कल जो 5 तारीख का एग्जाम होगा उसके बाद भी हम एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप चैनल में बने रहिएगा, जिसका भी 6 को एग्जाम है आप देख सकते हैं कि आप कल ही पता चलेगा क्या है, ठीक है। बाकी आप लोग पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम दीजिए और आई होप कि इस बार आप लोग का प्री में अच्छा नंबर आए, 120 प्लस आए, 130 है, 140 है, 150 है, जितना भी आप किए होंगे, परफॉर्म किए होंगे, जिस हिसाब से आपकी तैयारी होगा होगा, ठीक है। यही सारा चीज़ है, एग्ज़ाम में जाके स्थिर से दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो भी क्यूरी होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।